नमो नम अद्य वयम सत्बुद्ध्यादि मत कथा इति पाठ अवशिष्ट कथाया अध्ययन कर्म है सर्वे ध्यान पश्यंतु शुणंतु च सत्बुद्ध्यादि मत्स्य कथा प्रथम वर्तते मत्स्य विषण्य वदना मिथो मंत्रम चक्रु ततो मंडुक है आह भो सत्बुद्धे श्रुतम धीव्रोक्तम भवता तत्किमत्र युजते कर्तुम पलायनम अविष्टम भो व यत कर्तुम युक्तम भवती तदादिश्यता अध्ये तश्रुत्वा सहस्रबुद्धि प्रहस्य प्राह भो मित्र माभेसि यतो वचन स्वर्ण मात्रा देव भयम न कार्य अस्य गध्यांश से संदर्भ तू पूर्वमेव सदृशमेव वर्तते तदंतरम भवती प्रसंग प्रसंग अभी सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि मंडुक कथा चल वर्णित अतः प्रसंग भविष्यति सत अस्मित गध्यान से सत बुद्धि सत बुद्ध, सहस्त्र बुद्धिया मत से कथा वर्णित तदंतर होती वाक्य पश्यंतु वाक्य मतस्यास एतत नाम का जलसर मत्स्यास एतत नाम का जलसर ये सरोवर ये जलसर हासन तेज मत्स्य विसन्न वदना दुखी न मिथ है। परस्परम मंत्रम विचारम चक्रु चक्री ततः तदंतरम मंडूक एक बुद्धि प्राह उच भो सतबुद्धे भो सतबुद्धे हे सतबुद्धे भवताम त्विया धीवरोक्तम धीवराणाम कथनम सुरतम आक्रणितम यदा दीवराणम वार्ता श्रुत्वा सर्वेह मतस्य मत्स्या दुखिनम भूत्वा विषण्णवदन अर्थात दुखिनम भूत्वा परस्परम वार्तां कुर्वन्ति विचारं कुर्वन्ति किम कुर्वन्ति विचारं कुर्वन्ति तदनंतरम एकबुद्धि मंडूक है मंडूक अर्थात एकबुद्धि नामक मंडूक प्राह वाच हे सतबुद्धि भवता हे सतबुद्धि भवता अपनी धीराणाम कथनम सुरतम आकर नहीं पड़ता सुरतम त्रही अस्मिन विषय किम कर तुम उचितम अस्ति इति पलायनम इत अन्यत्र गमनम अवश्यम अत्र स्थातव्य यद कर्तुम यद विदातुम उक्तम यद उचितम भवती तद आदिश्यता तदाज्ञा देहि अर्थात धीवराणाम कथम श्रुत्व अस्मिन विषय किम कर्तुम उचितम अस्ती इत अन्यत्र गमनम व अत्र विस्तव्य यत विधातुम उचितम अस्ती शीघ्र तद आज्ञा दे तुत्वा तद आकरणे अर्थात एक बुद्धि ना, नाम का मंडुका से वचनम श्रुत्व सहस्त्र बुद्धि एक नाम का मत से प्रहस्य हसी आह उच किमोवाच भो मित्र हे स्वत हे मित्र मा भेसी भयम मा कुरु किमर्थम मा करू यत यतो ही वचन स्वर्ण मात्रा देव केवलम वार्तया एव केवल वचन स्वर्णात एव अर्थात केवल वार्तया एव भयम भीति न एव कार्यम करणीय कदापि वार्तया श्रुवा एव भयम न करणीय भाव अतः गद्यांश से भाव एवं प्रकारेण वर्धते यदा धीवराण वार्ता श्रुवा सर्वे मत से दुखी न भूपरस्परंवा कुरानी स्म तदा नामक मंडूक उवाच हे सतबुद्धे सत्बुद्धेम भवता अर्थात भीवराण कथम श्रुतम युजते प्लायनमे त्रि अस्मिन् विषये किम् कर्तुम् उचितमस्ती अस्मिन् विषये किम् कर्तुम् उचितमस्ती इत्या अन्यत्र गमनम् अविष्ठंबो अर्थात अत्रेव विस्तात्व्यम् यत् कर्तुम् युक्तम् भवति तद् आदिश्यताम् अधेः अधेः तद् सिग्रम् एव अध्य अस्मिन् दिने एव यत् कर्तुम् यत् कार्ये यत् विदातुम् उचितम तत्वा तत तत्वा था एक बुद्धि मंडू कस्य वचन श्रुतवा सहस्त्र बुद्धि नाम का मत से प्रहस हसित्वा उच भो मित्र भयम मा करोतु तू मा भेस भयम मा करो तू वचन स्वर्ण मात्रा तेव य ही वचन स्वर्ण वार्ता श्रुवा एव भयम न कार्यम कदापि भय न करण्यम इति भाव तदंतरम अश्विन का ध्यान से ये व्याकरणात्मक दृष्टिया शब्द संधि तेसा में भी एक बार स्वतंत्र प्रकृति प्रत्यय प्रहस्य प्रहस्य मध्य हस धातु पूर्व प्रह उपसर्ग हस धातु प्र हस धातु से पूर्व प्र उपसर्ग हस धातु अंतर कत्वा प्रत्यय भगवंत जानन्ति यदि धातु पूर्व उपसर्ग भवती तदा कत्व स्थाने लप होती एवं प्रकार पर हस्य लेप अर्थात पर हस्य कर तुम अर्थात कर धातु से तुमन क्री तुमन कर तुम तथे श्रुत्वा तच श्रुत्वा संधि विच्छेद भवि तद श्रुत्वा तद श्रुत्वा श्रु धातु से कत्व तदंतर श्रुत्वा एवं प्रकार संधि विच्छेद अवष्टंभ <clears throat> अव स्तंभ अव स्तंभ अव स्तंभ अव स्तंभ अत्र इष्टुना इष्टु इति सूत्रेण सटुत्व संधि भवति अव स्तंभ इति रूपम भवति इष्टुना इष्टु तत् श्रुत्वा तत् श्रुत्वा तद् श्रुत्वा प्रथम तु सत्व संधि भवति सस्जो इति सूत्रेण सकार से स्थाने छत् छत्व भवति शकार भवति सचुत्व इस्तो इस्तना सचु ුත්්‍රරන සචුත්ව හෝති චරත්ව එදවුන් ප්‍රකාලන තස්ස වොත්තුවා යිතීරූපම් සිද්ධම් මගතී. ඒවම් ප්‍රකාන අස්සක දන්සසේ වයම පඩිලොන්ත දැන්නවාදැ?